चलिए अगला रूल है, क्या चाहिए? मेनी, मेनी ए या मेनी एन, ये क्या है? आर्टिकल ना है, एन भी क्या चीज आर्टिकल है। मेन, जब मेनी ए रहेगा, मेनी का मतलब बहुत या कई, ए रहेगा एन रहेगा तो कौन? सिंगुलर काउंटेबल, काउंटेबल नाम किसे कहते हैं? वह नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, है ना। मॉडर्न के हिसाब से नाउन तीन प्रकार के होते हैं, काउंटेबल, नॉन काउंटेबल और प्रॉपर नाउन, तीन प्रकार के। जिसको गिन सकते हो क्या होता है? काउंटेबल। जिसको नहीं गिन सकते हो क्या होता है? अन काउंटेबल। का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप। जब सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ का प्रयोग करेंगे किसमें? सिंगुलर वर्ब का। किसको? सिंगुलर वर्ब का, है ना। देखो आगे एग्जाम्पल नंबर पहला, हला नहीं करिए। पहला मेनी, मेनी ये बॉय, मेनी ये बॉय है, गोज गोज टू कॉलेज, गोज टू कॉलेज इन टाइम। बताइए इसका हिंदी क्या होगा? मेनी ए बॉय गोज टू कॉलेज इन टाइम, इसका हिंदी क्या होगा? मेनी ए बॉय गोज टू कॉलेज इन टाइम, हाँ। अरे कई लड़के समय से कॉलेज जाते हैं, हाँ। क्या हो जाएगा? कई लड़के, कई लड़के समय से कहाँ जाते हैं? कॉलेज। कॉलेज, यहाँ स्कूल नहीं है, कॉलेज है। कॉलेज, लड़के समय से कॉलेज जाते हैं, यानी कि मेनी ये लग गया तो इसका अर्थ कैसे निकल रहा है? सिंगुलर का, तो गोज क्या चीज है? सिंगुलर है, क्या है? जब भार में ईएस आईएस या जोड़ते हैं तो बन वो बन जाता है सिंगुलर। सिंगुलर नाम में जोड़ेंगे तो प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल। मेनी, मेनी एंड ऑरेंज, ऑरेंज मतलब क्या चीज होता है? अनार ना, ब्लैक। क्या हो जाएगा? रोटेन, रोटेन मतलब क्या चाहिए? रोटेन मतलब रोटी। ओ भूख लग गया था ना तुम लोग, खाने के बोले लड़की लोग जा रहा होती है दलीदर, होती है दलीदर लड़की लोग, हम पढ़ा रहे हैं उठा के घर जा रही है, दलीदर कहते दलीदर। यह क्या भराएगा? वाज। क्या भराएगा? वाज। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? मेनी और एन ऑरेंज वाज रोटेन, इसका कई संतरे सड़े हुए थे। क्या हो जाएगा? कई संतरे रोटेन का हिंदी होता सड़ा हुआ, यानी क्या हुआ? सड़ा हुआ। तो क्या हो जाएगा इसके हिंदी? कई संतरे, कई संतरे सड़े हुए हैं। एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। हाँ